हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी बज चुके हैं सुबह के 11:50 और मैं आज काफ़ी लेट से सो के उठा हूँ क्योंकि आँखों में थोड़ा दिक्कत था और आज रात में लाइट थी ही नहीं, पता नहीं कहाँ से लाइट गड़बड़ हो गई है। तो गाइज, आपको फिर से ले चलता हूँ एक एडवेंचर जगह पे जो आज तक रहस्य सुलझा नहीं है। तो गाइज, मैं आपको अभी ले चलता हूँ। तो सो गाइज, परी भी आ चुकी है। आज 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस था तो गई थी परी स्कूल में। क्या की हो? जलेबी और समोसा खाए। और स्कूल में कोई प्रोग्राम था तुम्हारा? डांस की हो? इधर देख के बताओ। क्या गाना गाई है और डांस की है? तो अभी हम जा रहे हैं घूमने, फिर आते हैं। गाइस देखिए, अभी हम लोग निकल रहे हैं घर से और कुछ ही टाइम में पहुंचते हैं वहां पे, फिर आपको दिखाते हैं वहां का मस्त नज़ारा। क्योंकि रास्ता काफ़ी मतलब ख़राब है, रास्ता तो इतना ख़राब है कि समझिए ये मेड़ पे हम लोग गाड़ी चला रहे हैं। गाइस अभी देखिए, दो लोग आगे भी निकल रहे हैं, चल रहे हैं साथ में, तो दिखाते हैं आपको चल के वहाँ का बेहतरीन नज़ारा है। हमारे यहाँ का काफ़ी ज़्यादा रहस्यमय जगह है और ये एक तरह से कहा जाए कि ये अनसुलझा रहस्य है। तो मैं आपको ले चलता हूँ। देखिए, जाने का तो ऐसा कोई रास्ता नहीं है, पर ऐसे ही बच बचा के जाना पड़ेगा। देखिए, चलिए मैं ऊपर चल के तो आपको दिखाता हूँ वहाँ का मस्त नज़ारा। सो गाइस, आप देख सकते हैं कितना खतरनाक रास्ता है और ऐसे बच बचा के जा रहे हैं। तो हम लोग ऊंचाई पे भी जा रहे हैं, मतलब इसके लास्ट सिरे पे जा रहे हैं। सो गाइस, आप सब देख सकते हैं कि हम काफ़ी इस समय ऊंचाई पे हैं। उधर आपको नज़र आ रहा होगा काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे हैं, मतलब काफ़ी नीचे है। और ये जो जगह है, इसकी मान्यता है कि कई सौ वर्षों से पड़ा है और लोग बताते हैं कि यहाँ पे इस ज़मीन में वो जो ज़मीन के अंदर वाला पैसा होता है, विक्टोरिया होता है, वो इसके नीचे दबा हुआ है। और इस पर जल्दी कोई आता नहीं है क्योंकि सबको डर है कि लोग बताते हैं कि इसमें सांप बिच्छू निकलने लगते हैं। तो मैं आपको बात कराऊंगा आपसे, वो जो मेरे दो यहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, तो इसके बारे में बताएंगे कि ये क्या सचमुच है या फिर अफवाह। बस तो आप बताइए कि ये जो जगह है, क्या ये सचमुच इसमें पैसा है? लोग बताते तो यही हैं, इसमें पैसा है। अच्छा, ये प्राचीन जमाने का है, जबकि वो वर्दी जब लाद रहे थे उसी उस समय का ये है। तो आप लोग यहाँ के रहने वाले हैं तो कभी आभास हुआ कि यहाँ पैसा है? हाँ, मतलब क्या पैसा दिखा कि क्या, कैसे आभास हुआ? पैसा भी दिखाई एक बार दिया और लोग बताते भी हैं। अच्छा, कोई आदमी खुदाई कर रहा था, जैसे पहले वो होता था परास वगैरह, जो बकेल नहीं खोदे जाते थे, एक आदमी बकेल खोद रहा था, इतना बड़ा का हंडा पाया, ले गया, बीमार हुआ, फिर लिया करके तोप दिया इसमें। तो जानी पहचान बाप दादा। तो कुछ और लोग बताते होंगे ना कि ये काफी विचित्र जगह है, यहाँ पे लोग आते हैं या नहीं आते हैं, डरते होंगे? हाँ, डरते तो है ही है, देखिए बस कितना झंखार है, कौन इस पर आएगा। तो आप लोग कभी पैसा निकालने के लिए कभी सोचे नहीं? नहीं, ये सब हम लोग कभी नहीं सोचे, लेकिन ये बहुत जमाने से ये चीज है। इन्होंने बताया कि ये काफी जमाने से है और सदियों पुराना जगह है, जिसे लोग यहाँ के स्थानीय भाषा में इसे कोट बोलते हैं। और कोट का मतलब हमारे समझ से ऊंचा टीला होता है ना। तो ये अपने आप में एक रहस्य बना हुआ है कि इन पैसों को आज तक कोई नहीं निकाल पाया और जो ले गया था निकाल के वो बीमार हो गया और फिर ले आके यहाँ पे अपना रखा और मतलब जो भी प्रायश्चित करना हुआ होगा वो किया होगा। तो मैं इसीलिए आपको आया हूँ इस जगह को दिखाने के लिए कि ये ऐसा जगह अभी भी है जो ज़मीन के अंदर काफ़ी धन दबा हुआ है। तो आज जैसे इंटरनेट का पासवर्ड है तो उस समय भी तिलिस्म जैसा कोई पासवर्ड रहा होगा, जादू टोना
जैसा कुछ न कुछ इसमें डाल दिया गया है ना। हाँ वही बंजारा जो है वर्दी लादने वाले उन्हीं लोगों का इसमें धन है। अच्छा ये बंजारों का धन है यहाँ। अच्छा जो वर्दी लादते थे घोरावल से इधर सोन से उस पार से लाते थे और आरे और ले जाते थे। अच्छा तो सब जगह जगह पड़ाव डालते थे ना। हाँ हाँ हाँ। वही सबों का ये धन है। अच्छा हाँ वही तो, सबों का धन है। तो इनके कहने का मतलब है कि उस टाइम पैसा या रुपया रखने के लिए बैंक बैलेंस नहीं होता था, बैंक वैंक नहीं हुआ करते थे, तो ज्यादा पैसा हो गया तो यही दफना दिए पैसा, यही ना मिट्टी में दबा दिए। तो गाइज ये यहाँ का रहस्य है और इस रहस्य यही बताते हैं लोग, यही बताते हैं यहाँ के, और आज तक इस रहस्य को कोई सुलझा नहीं पाया है। नहीं तो अपने आप में एक अनसुलझा रहस्य है ये। भाई हम ये लोग यहाँ से निकलते हैं और फिर चलते हैं अपने घर को, और आपको यही दिखाने आए थे कि ये काफ़ी ऊंचाई पे है और मतलब सारी ज़मीन इससे 30 फीट नीचे है लेकिन ये 30 फीट ऊँचा है। तो गाइस हम लोग निकल रहे हैं और दिखाते हैं आपको बैक कैमरा से कितना ऊंचाई। तो आज मैं अपने ब्लॉग को अब यहीं पे करूंगा एंड, और आपको ब्लॉग पसंद आए फ्रेंड्स तो मेरे ब्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ फ्रेंड्स मेरा सपोर्ट करें। और देखिए अभी टाइम हो गया है 7:37 शाम के, और इधर देखिए परी और रियांशी सभी लोग अपना होमवर्क पूरा करने में लगी हुई हैं और अभी पढ़ रही हैं। हेलो क्या हाल चाल है, अच्छा है। रियांशी हाय करने लगी और सारे लोग हाय कर दिए। तो गाइस फिर मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।